ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 10वें अध्याय में हैं और आज 8वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी की उत्पत्ति का कारण हूँ। इस चीज को जान करके जो भक्त मेरा भजन करते हैं उन्हें सदगति प्राप्त होती है। तो अब उसका विस्तृत विश्लेषण और उसमें जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है उसका विश्लेषण हमारे परम पूज्य गुरु जी करेंगे। अब हम गुरु जी की ओर चलते हैं। नमोस्तरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वानगण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, श्रद्धेय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका आज 8वां श्लोक है, जिसका स्वरूप है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान का भजन बुद्धिमान लोग करते हैं। भगवान कहते त्वत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, कैसे होकर के भाव से युक्त होकर के भाव समन्विताः। भाव शब्द का तात्पर्य क्या है? भाव समन्विताः में सबसे पहले भाव शब्द को समझना जरूरी है। तो भाव शब्द का यहां तात्पर्य है अतिशय प्रेम, अटल श्रद्धा, ये दो चीज ये भाव है कि जिसके प्रति हम पूर्ण विश्वास करते हैं उसके प्रति अटल श्रद्धा होती है। अटल श्रद्धा का तात्पर्य ये हुआ कि किसी के कहने बतियाने बरगालने से भी वो श्रद्धा अल्प भी नहीं होती है, हटने की तो कोई बात ही नहीं, वो अटल श्रद्धा है। और अतिशय प्रेम कि अनेक प्रकार के विपत्ति प्राप्त होने पर भी भगवान के प्रति जो आपका अतिशय प्रेम है उसमें किंचन मात्र भी न्यूनता ना आ पावे, वो अतिशय प्रेम है। उसी को भक्ति के स्वरूप को भी वही प्रेम जाकर के भक्ति में परिणत हो जाता है। अंतराय सहस्रेणापि अप्रतिहत प्रेम प्रवाहो भक्ति, भक्ति का ये लक्षण बतलाया गया है। तो वो भाव से युक्त होता है कौन? बुधाहा। बुध का तात्पर्य क्या है? बुद्धिमान वह होता है जो अपने विषय में पूर्ण रूप से विचार करते हुए उस परमात्म तत्व के साक्षात्कार करने में उसको जानने में अपने को समर्थ पाता है, वही बुद्धिमान है। आजकल हम बुद्धिमान किसको कह देते हैं? जो सबसे ज्यादा चतुर चालाक हो, लोगों को ठग ले उसको कोई न ठग पावे, तो हम लोग उसको बुद्धिमान कहते हैं। उस तो बुद्धिमान नहीं है, वो सबसे बुद्धिहीन व्यक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है पहले परम वंचयति तथा पूर्वम आत्मानम वंचयति, जो दूसरे को ठगता है उसके पहले वो अपने को ठगता है, क्योंकि वो नहीं समझता है कि इस पाप का फल हमें कहाँ ले जा करके डुबोएगा, कितने योनियों में को भटक करके और अपने लक्ष्य से सुदूर जाना पड़ेगा, उसको उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए वो बुध नहीं है। बुध वो है जो उस परमात्म तत्व को जान करके जो परमार्थ मार्ग है उसमें आगे बढ़ता है, आगे जाता है, उस परमात्मा की प्राप्ति में उसके सकल प्रयास रहते हैं। संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं सबको वो भगवत स्वरूप में देखता है, वो बुद्धिमान है। तो बुधा भाव समन्विताः
क्या करते हैं, भजन्ते माम, मुझको मेरा भजन करते हैं। क्यों भजन करते हैं मेरा? क्योंकि आश्रयण उसका किया जाता है जो सर्वतो भावेन हमारे संपूर्ण अभिलषित वस्तु या ज्ञान या पदार्थ को संप्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम हो। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो परमात्मा है उसी से संपूर्ण सृष्टि होती है और जितनी प्रवृत्तियां विश्व की हैं सो उस परमात्मा से ही। यही भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं जो साक्षात नारायण स्वरूप हूं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मैं ही कारण हूं, अहम सर्वस्य प्रभवः। और जितनी भी चेष्टाएं हैं, व्यक्ति का चलना फिरना उठना बैठना अन्य संपूर्ण क्रियाओं को करना, वो सब क्रियाओं में जो प्रवृत्ति होती है प्रत्येक प्राणी की वो भी प्रभु की कृपा से होती है, मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो इस तरह से जो मुझे जानता है इति माम मत्वा, ऐसा जो समझ करके मेरा भजन करता है, कैसे भजन करता है, भाव समन्विता, जैसे हमने पहले आपको बताया कि भाव समन्वित का क्या तात्पर्य होता है, तो वो भाव समन्वित होकर के जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसा करता है, और जो अबुद्धिमान है अपनों को बुद्धिमान समझता है वो सांसारिक पदार्थों को एकत्र करने में उनका उपभोग करने में ही अपना मुख्य पुरुषार्थ समझता है। आज हम देखते हैं समाज को, राष्ट्र को, और उनमें सब अपने को चतुर समझने वाले लोग इस गीता के इस स्वरूप को नहीं अपना पाते हैं। वो केवल उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषण, अपने उदर की पूर्ति, अपने ऐश्वर्य की पूर्ति में ही अपने संपूर्ण बुद्धि का उपयोग करते हैं। जब तक आपके मस्तिष्क में प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति वह परमात्म बुद्धि नहीं, वो ईश्वर बुद्धि नहीं होगी, तब तक न तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं, न समाज का कल्याण कर सकते हैं, न राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, न विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जब आपकी स्थिति यह है कि अपने वर्ग व्यक्ति का, अपने स्नेही व्यक्ति का ही हम कल्याण करेंगे, अन्य से हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप उस परमात्मा के समीप भी नहीं जा, समीप क्या, उसके जो है समीप आने का प्रयास भी आपको नहीं हो सकता है, और जाना तो दूर हुआ, क्योंकि संपूर्ण विश्व ये परमात्मा से उत्पन्न है, अहम सर्वस्य प्रभवः। और सबकी जो प्रवृत्ति है, किसी की आपके अनुकूल प्रवृत्ति है, किसी की प्रतिकूल प्रवृत्ति है, किसी की प्रवृत्ति ना तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है, किंतु आपकी बुद्धि में समय समभाव की स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक आप भाव समन्वित नहीं हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने यहां बतलाया कि संपूर्ण विश्व का जो विस्तार है, जो उसकी उत्पत्ति है, वो मेरे द्वारा होती है, और सबकी प्रवृत्ति का संचालक भी मैं ही हूं, अर्थात सर्वतो भावेन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, संपूर्ण सामर्थ्य उस परमात्मा तत्व में ही है। ऐसा जान करके जो व्यक्ति मुझ परमात्मा तत्व की आराधना अत्यंत भाव से युक्त होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के, विश्वास से युक्त होकर के, और जो है प्रभाव को पूर्ण रूप से समझ करके, अत्यंत प्रेम से युक्त होकर के जो मेरा भजन करते हैं वही जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन किया। बहुत ही सुंदर विश्लेषण गुरु जी ने किया कि भगवान सभी की उत्पत्ति और प्रवृत्ति का मूल है, और जब हम श्रद्धा से उनका भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनकी प्राप्ति होती है। और
आपको ये ज्ञान लाभप्रद लग रहा है तो जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।